अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम व्लॉग बनाएंगे। काफ़ी दिनों बाद जो इस चैनल पे व्लॉग आएगा, तो जहाँ हम जाने वाले हैं उसके बारे में आपको मम्मा बताएंगी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज हम व्लॉग बनाएंगे, और व्लॉग कहाँ का बनाएंगे तो वो मैं आपको वहाँ पहुँच के बताऊँगी। और मैं अपनी बचपन की दोस्त के यहाँ जा रही हूँ मिलने के लिए, तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो हम चलते हैं अपनी दोस्त के यहाँ, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको वहाँ पूछ के बताएगी। अब हम लोग रास्ते पे निकल चुके हैं। हमें जाते हुए इतना ट्रैफिक नहीं था, लेकिन आते हुए इतना ट्रैफिक था कि हम लोग थक चुके थे और बहुत लेट घर पर पहुँचे थे। हम सब गाड़ी में ही बैठे हुए थे। मनाइल भी बैठी हुई है, मोबाइल में देख रही है, खेल रही है। शांजा भी और महासिब बार बार पूछ रहे थे मम्मा कब पहुँचेंगे, क्योंकि महासिब को बहुत बेजारी आती है, कहीं जाते हैं तो वो उनसे नहीं बैठा जाता है। और ट्रैफिक भी हमें रास्ते में मिला बहुत, और डिस्को मोड़ जाना था हमें, तो इस वजह से देखे ट्रैफिक कितना है। और तो ये हम पहुंच चुके हैं, ये कौसर आंटी का घर है, यही हमारी लोकेशन थी। आज का व्लॉग यहीं का था, तो ये उनका घर है और अभी हम अंदर जाएंगे। अब हम आ गए हैं कौसर के घर। मेरी जो बचपन की जो सहेली है जिसका मैंने आपसे कहा था, तो मैं उसके घर आ गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो? तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम ठीक हो? हाँ। ये है मेरी बचपन की दोस्त। अब हम अंदर चलते हैं कि अम्मी से भी मिलेंगे, जो मेरी अम्मी की दोस्त है। ये मेरी अम्मी की दोस्त है, और कौसर मेरी दोस्त है, ये मेरी अम्मी की दोस्त है। तो अल्लाह जिंदगी दे तुम लोग को, तुम्हारे माँ बाप को, औलाद का अल्लाह हमेशा प्यार ना। आमीन आमीन। आपको भी अल्लाह ताला बहुत लंबी जिंदगी दे। बस घर में होते हैं ना बड़े बुजुर्ग, तो उससे रौनक होती है। मतलब हमारी अम्मी नहीं है, देखिए रौनक खत्म हो गई। आप लोग के होने से बहुत रौनक होती है। आई बेटी, कौसर के साथ बैठ के मैंने इतनी बातें करी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था वहाँ से उठ के, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और बच्चे कह रहे थे मम्मा देखें ये बिल्कुल नानी लग रही है ना, तो मैंने कहा हाँ बेटा ये बिल्कुल नानी ही लग रही है, और आप लोग की नानी ही है ना, क्योंकि आप लोग की नानी भी ऐसी ही थी। और कौसर के साथ बैठ के मैं घंटों बातें करती रही। ये है मेरी दोस्त के भतीजे, कौसर के सारे भतीजे भतीजी है, तो ये अपना नाम भी बताएंगे और क्लास भी बताएंगे कि कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जान शकील है, मैं तीसरी क्लास में पढ़ता हूँ। जी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। और आपका क्या नाम है? अली अस्मान अली, नौवीं क्लास। जोर से बोलो। नौवीं क्लास। नौवीं क्लास? नहीं नहीं, अली अस्मान अली। और ये कुरान हिफ्ज कर रहे हैं, तो कौन सा पारा है आपका? अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। जो आ गए हमने बताए, नाम भी बताए आपको, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। वो माशाल्लाह है, लेकिन माशाल्लाह और भी बहुत है, अगर कुछ बच्चे आए कुछ नहीं आए। कौसर ने खाने की डिशें इतनी मज़े की रखी थी, इनकी भाभियों ने सब चीज़ें सबने मिल के बनाया हुआ था, बहुत मज़े के सब थे, कबाब छोले और स्पैगेटी तो बहुत ही मज़े की थी, मेरे बच्चों ने बहुत शौक से खाए, और दही बड़े भी बहुत मज़े के थे। खाने के बाद हम थोड़ी देर बैठ गए थे, बातें करने लगे, चाय पिए, फिर हम बातें करने लगे, फिर हम कैबिस चले गए बच्चों को
बर्गर खाना था, तो हम फिर कैबीज चले गए थोड़ी देर के बाद। तो ये कैबीज आ गए और बच्चे ने ऑर्डर किए थे। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से आइसक्रीम खाई। यहाँ के फ्लेवर्स बहुत अच्छे थे, पर हम लोगों ने ब्राउनी वाला फ्लेवर लिया। और ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।